कोई भी LIC एजेंट जब भी वह एजेंसी लेता है तो बड़े बड़े सपने देखता है, वो सफलता की ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे गांव का नाम, मेरे नगर का नाम, मेरे जिले का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। लेकिन उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि सफल होने पे भी वह अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाए जिससे कि और वो बेहतर होता जाए और बेहतर होता जाए, और सफल होने पे भी लोग उसका साथ दें, उसके साथ बने रहें, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा जुड़े रहें और साथ ही साथ उसको कामयाब होते देखें और खुश हों। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, क्या जरूरी है, क्या ऐसे आदतें हैं या क्या ऐसे क्वालिटी है जिसको मेंटेन करके आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, और ऐसा क्या करें कि आप सफल भी हो जाएं तो भी लोग आपके साथ बने रहें, आपके सफलता के लिए दुआएं करते रहें और आपका साथ निभाते रहें। इस बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेके आया हूं, सो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक एजेंट जब एजेंसी लेता है तो एजेंसी लेने के बाद उसको बहुत बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और वो देखता भी है, वो चाहता है कि मैं बड़ा एजेंट बनूं, वो चाहता है कि मैं बहुत पैसे कमाने वाला एजेंट बनूं, वो चाहता है कि मैं बड़े बड़े क्लब अचीव करूं, बड़े बड़े गोल अचीव करूं और बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचूं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसके अभाव में आप उन सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, उन सफलता तक पहुंच ही नहीं सकते हैं या उन सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो पहली चीज है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप जब भी फील्ड में जाएं, जब भी लोगों से बात करें, जितने भी लोग आपको मिलते हैं, किसी को उसके कपड़े से, उसके पहनावे से, उसके रहन-सहन से या उसके लुकअप से आपको ये जज नहीं करना है कि ये आदमी के पास पैसा होगा कि नहीं होगा। बहुत एजेंट ऐसी गलतियां कर देते हैं, आदमी देखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन उस आदमी को लोग समझते हैं कि ये पैसे वाला तो है नहीं, इससे बीमा की बात करने की जरूरत नहीं है, और बाद में पता चलता है कि वो आदमी तो 10 लाख रुपया FD करने के लिए आया था। मेरे साथ एक घटना घटी 2014 में, एक आदमी मेरे ऑफिस में आया और साइकिल से आया, साइकिल में एक झोला लपेटे था और मेरे से बात करने लगा। मैंने उसे बहुत भाव नहीं दिया, मैंने सोचा कोई आदमी आया होगा ये टाइम पास करने, लेकिन जब मैं आधा घंटे बाद ब्रांच पहुंचा तो आदमी ब्रांच में भी था, और ब्रांच में देखा तो उसका 10 लाख रुपए की एक FD बन रही थी, कोई एजेंट बनवा रहा था। झोला जो साइकिल पे टंगा हुआ था उसको उतारा, उसमें से 10 लाख रुपए निकाल के उसने कैश काउंटर पे जमा कराए। मेरे तो पैरों से जमीन हट गई, अरे वाह, मैंने ये क्या गलती कर दिया। सो डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर, बिकॉज ऑफ दैट जब आप किसी को उसके कपड़े, उसके पहनावे से जज करने लगते हैं तो वहां आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, असमझदारी की बात कर देते हैं और वहां आपका ही नुकसान होना है। सो पहली चीज है कि आप चाहे बड़ा एजेंट बनिए, चाहे आप नॉर्मल एजेंट रहिए, चाहे आप सफलता के बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाइए, बट इस रूल को तो जरूर फॉलो करिएगा कि डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। सेकेंड चीज है, डोंट फॉरगेट व्हाट यू वेयर। यानी कि आप जब शुरुआत करते हैं, जब LIC एजेंसी की शुरुआत करते हैं, तो देखिए उस समय आप हर लोगों से मिलते हैं, छोटे बड़े लोगों को सलाम बंदगी करते हैं, सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं, आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं, और हर लोग की ख्वाहिश होती है कि ये लड़का बहुत ऊंचाई को छू ले, ये लड़का सफल हो जाए, ये लड़का ज्यादा काम कर ले, इस लड़के का नाम रोशन हो जाए, सब लोग चाहता है। और होता भी यही है, जब आप मेहनत करते हैं, कंटिन्यू प्रयास करते हैं, लोगों से आशीर्वाद दुआएं लेते रहते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, लेकिन सफल होने के बाद आप में थोड़ा सा बदलाव आना लाजमी हो जाता है। सफल होने के बाद आप जिसके साथ बैठ के चाय कॉफी करते थे, जिसके साथ गप्पे मारते थे, अब उसके साथ बात नहीं करना पसंद करते हैं, आप अब कार से चलने लगे, आप अब बड़ी गाड़ियों से चलने लगे, और जो आपका दोस्त है, जो आपका साथी है, वो साइकिल से अभी चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, तो उसके साथ बैठ के बात करना या उसके साथ चलना फिरना, उसके शादियों में जाना या उसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाना आपके लिए कहीं ना कहीं नागवार लगने लगता है, और एक गलत बात है। आप कितना भी बड़े हो जाइए, डोंट फॉरगेट व्हाट यू वेयर, आप क्या थे, आप कितनी गरीबी से ऊंचाई पे आए हैं, आपका पुराना रहन सहन क्या था, आपका जीवन स्तर क्या था, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए तो जानिए कि कहीं ना कहीं फिर आपको उसी स्थान पर आना होगा, उसको समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए, क्योंकि भगवान
आपको उस जीवन से कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है, और वो लाइफ आपको कभी ना कभी जीनी पड़ सकती है। इसलिए आप हंसी खुशी अगर उस माहौल को अगर इंजॉय करते हैं तो वो लाइफ आपको दोबारा जिंदगी में नहीं आनी है। और अगर आप कहीं ना कहीं गुरूर में हो गए, कहीं ना कहीं गुमान में हो गए कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसे कंडीशन में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे एटमोसफियर में नहीं जाऊंगा, या ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा, तो कंडीशन आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए डोंट फॉरगेट व्हाट यू वेयर। तीसरी चीज है, आपको गुड बिहेवियर हमेशा रखना होता है। जैसे याद करिए, जैसे आप एजेंट बने थे, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छे शिष्टाचार अभिव्यक्ति करते थे, अच्छे से मिलते थे, अच्छे से बातें करते थे, अच्छे से लोगों को सलाम बंदगी करते थे, या अच्छे से लोगों के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन आज आप सफल हो गए, कहीं ना कहीं कुछ सफलता की ऊंचाई पे पहुंचे, तो उन सारी चीजों को आप मिस करने लगे और आपका बिहेवियर खराब हो गया। अब लोग आपको इस नजरिए से देखते हैं कि ये बंदा तो बड़ा अकड़ू है, ये बंदा तो किसी की सुनता नहीं है, ये बंदे में तो अब थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। ये सारी चीजें अगर जिस दिन आई, उस दिन आपका आपका विकास रुक जाएगा। लोग आपके लिए दुआएं करना बंद कर देंगे और लोग आपकी सफलता से चिढ़ना शुरू कर देंगे, और जैसे ही लोग आपकी सफलता से चिढ़ना शुरू कर देंगे, आप फिर धीरे 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 नीचे की तरफ आना शुरू। सो गुड बिहेवियर इज ए पार्ट ऑफ योर सक्सेस एंड ऑलवेज मेंटेन इट, बिकॉज ऑफ दैट गुड बिहेवियर रेज योर क्वालिटी, रेज योर सक्सेस एंड रेज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको ये सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। सो, कभी भी आपको अपने व्यवहारों में गिरावट नहीं लानी चाहिए। उसी तरीके से नम्र बात करनी चाहिए, उसी तरीके से अच्छे से बात करनी चाहिए, उसी तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन रखना चाहिए, और उसी तरीके से अपने लिए दुआएं बटोरनी चाहिए। चौथी चीज है, ईमानदारी से कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज विथ हॉनेस्टी। यानी कि आप जैसे पहले ईमानदार थे, वैसे आज भी ईमानदार रहिए। लोग आपसे जुड़े, लोग आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी दिए, लोग आपसे कहीं ना कहीं बिजनेस लिए, तो उसमें आपके ईमानदारी का बड़ा रोल रहा है। आप ईमानदार थे, आप बढ़िया आपका व्यवहार था, तब लोग आपसे जुड़े, और कहीं ना कहीं अगर ये ईमानदारी में आज दिक्कत आई, आज आप ईमानदार नहीं रहे या ईमानदारी से समझौता करने लगे, तो निश्चित तौर से वो सफलता आप नहीं पा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे आप आज सफल हो न हो, या बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हों, बहुत ज्यादा सफल हो गए, फिर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईमानदारी से कोई समझौता नहीं रखना है। और पांचवा चीज है, उतावलापन नहीं रखना है, यानी बी पेशेंसियर। आपको पेशेंस रखना है। काम हुआ नहीं हुआ, लोग आया नहीं आया, बढ़िया से बात हुआ नहीं हुआ, आपका बढ़िया से मान सम्मान हुआ नहीं हुआ, आपके काम में लेट हो रहा है, आपके काम में जल्दी हो रहा है, पेशेंस रखिए, कभी भी उतावलापन मत बरतिए। मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए एक आदमी से उतावलापन में बात किया, और उसने उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया कि मेरे को बड़ा हर्ट किया। उसने एक लाइन में बोला कि आपसे ये उम्मीदें नहीं थी, इस शब्द को मैं आपसे सुनना नहीं चाहता था, और आपके मुंह से यह शब्द सुन के मेरे को सोचना पड़ा कि आपके मुंह से कैसे यह शब्द निकले। सो आपके आपके लिए यह शब्द अच्छे है नहीं है, आपके लिए यह शब्द शोभा नहीं देते हैं, और इतना सुनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे को हर्ट हुआ, मेरे को कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिकल, हालांकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, मैंने जानबूझ के कहा, लेकिन फिर भी मेरे को दर्द हुआ कि ये प्रैक्टिकल में ही मैंने ऐसा क्यों किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जानबूझ के या अनजाने में कभी भी उतावलापन नहीं करना चाहिए। उतावलेपन में ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए जो लोगों को पसंद ना आए। उतावलेपन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो लोगों को पसंद ना आए। उतावलेपन में ऐसा बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए जो लोगों को पसंद ना आए। उतावलेपन में ऐसा कड़ा बात नहीं बोलना चाहिए जो लोगों को हर्ट करे। तो ये पांच चीजों को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल किए, तो मेरा विश्वास है कि आप सफलता की ऊंचाई पे होंगे, और आपको नए नए आयाम मिलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और आप जीवन में भी सक्सेसफुल रहेंगे, बिजनेस में भी सक्सेसफुल रहेंगे, और साथ ही साथ अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लिए भी सक्सेसफुल रहेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, हम लोग का ऐसे ऐसे मनोबल बढ़ता जाता है। और आपने सब्सक्राइब करके धीरे धीरे 25,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दिए। सो आपको दिल की गहराइयों से
बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे चैनल को ग्रो करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपको ढेर सारा नॉलेज देता रहूं, नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता रहूं और आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करता रहूं, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।